चलिए बात करते हैं गुजरात के सियासी मैदान की, जहां घमासान लगातार तेज होता चला जा रहा है और गुजरात की राजनीति के बड़े दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और इस बातचीत में वाघेला ने कहा कि भगवान राम टाट में रहे या मंदिर में क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो रोजी रोटी से पड़ता है। और वाघेला के इस बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर है। हमारी सहयोगी रूबिका लियाक के साथ वाघेला का यह धमाकेदार इंटरव्यू आप भी देखिए। में रहने आने वाला है भगवान टाट में रहते थे ना, भगवान को फर्क पड़ता है ना भगवान के दर्शन करने, लेकिन जो इंप्रेस होते हैं अपना क्या फर्क पड़ता है। और इस वक्त मैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला, जिनको मोहब्बत में बापू भी कहा जाता है, उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और दरवाजे पर खुद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आप तैयार है हमारी गाड़ी में सवार होने को? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सवालों का सिलसिला मैं शुरू करती हूँ। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है लेकिन जवाबों वाला डायरेक्शन आप ही देने वाले हैं। जी जी। सुना है आपकी घर वापसी हो रही है? नहीं, घर वापसी का मतलब वो तो अलग सवाल है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पब्लिक लाइफ में जो कार्यकर्ता होता है उसको अपने हिसाब किताब से वो राजनीति करता है। क्या अब आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए वो बात हो रही है फॉर टू ज्वाइनिंग कांग्रेस फॉर मी नॉट मटेरियल। हमारी बात हो रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो भी होगा हमारे साथ मिलकर क्या करना है क्या नहीं। देखिए हम पब्लिक लाइफ में कुछ बनने के लिए और देने के मतलब लेने के लिए नहीं आए। एक लोग कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनना था, ये था, वो जनसंघ में कहा मुख्यमंत्री था। कांग्रेस में भी हमने कहा कि हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है, मेहरबानी करके बीजेपी को हटाओ। आम आदमी पार्टी भी तो एंट्री मार चुकी है ना सर। देखिए वो भी टाइम पास है, उसमें कोई इधर से लोग टिकट के लिए गए और चले जाएंगे, वो तो बाहर से आए बाहर चले जाएंगे। ऐसे पार्टी विदाउट आइडियोलॉजी नहीं होती है, कैडर भी नहीं होती है। आप अरविंद केजरीवाल को कैसा नेता मानते हैं? देखिए मैं नेता मानता है नहीं, वो ब्यूरोक्रेट्स कभी नेता नहीं बन सकता। पर वाघेला साहब जी, दिल्ली जीत ली, पंजाब जीत लिया, यहाँ पर कहाँ जीत लिया? दिल्ली एक कॉर्पोरेशन है, वो बीजेपी ने मिलकर आरएसएस लोगों ने मिलकर कांग्रेस का शीला दीक्षित जी का 15 साल का शासन तोड़ने के लिए आरएसएस ने जो कॉन्स्पिरेसी रखी, तो ये सब ने आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल संघ के सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन डज नॉट अराइज, इज बिलोंग टू आरएसएस फैमिली। He belongs to RSS 100%. Ask him, not me. तो बाकी जो कांग्रेस आरोप लगाती है वो एकदम आप कह रहे हैं सही आरोप है? कांग्रेस का आरोप लगाती, कोई आरोप की जरूरत नहीं है। आरोप जहाँ होता है जहाँ प्राइवेट होता है अपने आप नहीं। बीजेपी का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस तो पार्टी थी नहीं, वो तो मूवमेंट था उस समय, वो अभी चल रही है। बीजेपी आरएसएस के हिसाब से कोई फ्यूचर बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन जैसे सेवा दल की हालत हुई ऐसी में आरएसएस की हालत देख रहा हूँ। धीरे धीरे आरएसएस बीजेपी पावर संगठन एक हो गया, सब पावर आधारित हो गए और वो भूल गए कल की दुनिया जहाँ इनको खाना नहीं था रहना नहीं था। ये आपकी चाहत है कि आप सच में ऐसा देख रहे हैं? क्योंकि देख रहा हूँ संघ तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी जो है वो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो नाटक है बड़ा, मैं बैठ कर करता रहूँ टक 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 टक। ये जो है ना बीजेपी कहाँ जीती बताइए? यूपी में सिवा हिंदू मुसलमान क्या जीती? बिहार में जीती, तमिलनाडु में जीती, ये उड़ीसा में जीती, महाराष्ट्र में जीती, ये केरला में जीती, बताइए कहाँ जीती बीजेपी? और वो भी तो होगी आदित्य भगवे कपड़े पहनकर, तब तो हिंदू मुसलमान करवा गया और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल्य इलाका रहा। हाँ, बिल्कुल सही, उसमें पोलराइज हुआ। वो राम मंदिर बना नहीं था, क्या फर्क पड़ा? बनेगा क्या फर्क पड़ेगा? राम मंदिर से तो वास्ता है ना सर, वो आस्था का। कौन सी आस्था? कौन सी आस्था? आस्था का कौन सी आस्था? प्रभु राम मंदिर नहीं था, क्या फर्क पड़ा बताइए? आपको फर्क नहीं पड़ता? किसी को फर्क नहीं पड़ता, ड्रामेबाजी है। देखिए राम मंदिर, राम हो कृष्ण हो सब पूजा करते है, करिए ना अपने घर पर। कितने राम मंदिर अपूज्य पड़े हैं हिंदुस्तान में, राम मंदिर गुजरात में सबसे ज्यादा राम मंदिर है, इतने अपूज्य। राम जन्मभूमि है, वो राम जन्मभूमि क्या फर्क पड़ा? नहीं थी अब तक, आज से है क्या? जब से राम जन्मे हो गए तब से थी, तो इसीलिए वहाँ मंदिर बना भव्य। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे जी, जी। तो वो राम मंदिर जहाँ पर तादाद में लोग जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, जस्ट हियर मी आउट सर, वहाँ पर दुकानें बनती हैं,
वहां पर फिर जो लोग आएंगे वो फूल भी खरीदेंगे, वो मिठाई भी खरीदेंगे, वो शॉपिंग भी करेंगे, एक इकोनॉमिक चक्का चलेगा ना सर। दिस इज हाउ सिर्फ अयोध्या नहीं सर, लेकिन ऐसी प्लेसेस जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां भी अब लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पर जो है रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। आदिवासी ट्राइबल कहा गया, वो तो धक्को मार कर भगो दिया गया। किसको? आदिवासी यहाँ का मालिक होता है, आदिवासियों को उजाड़ दिया गया। उस गरीब की अभी देखता है सरदार साहब की प्रतिमा, लेकिन उसका परिवार कहाँ है, उसका बच्चा कहाँ है, वो देख। मंदिर 50 फुट बना, ये 100 फुट क्या फर्क पड़ेगा कॉमन मैन को? ये तो बताइए ना माता मंदिर, कॉमन मैन में एक बुजुर्ग जो यहाँ की माँ है वो जाती है, आपकी माँ भी तो गई होंगी चार धाम। सही बात है। तो वो ना जाती तो क्या फर्क पड़ता? ये वाला सेंस तो अपना संतोष होता है ना अपने लिए। हाँ, तो वो संतुष्टि के लिए वो मंदिर बनाया है। वो देखिए, वो मंदिर बड़ा था या छोटा, हिंदुस्तान की जनता इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा इमोटिव है। नहीं नहीं, ये मंदिर नहीं बना तो लोग नहीं जाते अयोध्या, वो त्रिपाल में देखते थे प्रभु राम। अरे कुछ भी था, राम को तो देखते थे, इनके राम है क्या फर्क तो पड़ता है? कौन चाहेगा कि आपके यहाँ जो अंदर मंदिर है, हाँ, आप उसको बड़ा मार्बल का जो मंदिर तो बनाया, क्या फर्क पड़ता है? तो अब नहीं बनाते आप उसको त्रिपाल में? ना भगवान को फर्क पड़ता है ना भगवान के दर्शन करने, लेकिन जो इम्प्रेस होते हैं अपना, क्या फर्क पड़ता है उसमें? वो रहने आने वाला है, भगवान टाट में रहते थे, लला लला। आपको अच्छा लगता टाट में रहते हुए? क्या फर्क पड़ता है? मैं 2022 का नागरिक, फर्क नहीं पड़ता, बट वुड यू लाइक, क्या भगवान को फर्क पड़ता था क्या? नहीं पड़ेगा सर, भगवान को नहीं पड़ेगा। भगवान तो इन वो त्रिपाल मंदिर उससे बहुत परे, सब मार्केटिंग है, इसके पहले भी होता, क्या फर्क था? जब नहीं था, जनसंघ से निकले आप, वही मैं कहता हूँ। देखिए, राम मंदिर नहीं बना था तो क्या देश में क्या था, बना तो क्या फर्क पड़ा? गिव मी वन एग्जाम्पल, क्या फर्क पड़ा? प्राइड आई सर, विच काइंड ऑफ प्राइड? कि प्रभु राम, प्रभु राम कहा वो भी थे, प्रभु राम में फर्क पड़ा क्या? प्रभु राम को क्या, ये लेस कंसर्न विद प्रभु राम, इनकी मार्केटिंग है कि आप आइए दर्शन करिए। नहीं नहीं, ये बीजेपी का मार्केटिंग है। वो बीजेपी की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंदिर बना तो ठीक है, नहीं बना तो भी फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। आप जब टाट में थे प्रभु राम, आप देखने गए थे? मैं गया था बिल्कुल। और आप जब जाएंगे तो फर्क है ना सर? क्या फर्क पड़ेगा सर? कैसे फर्क नहीं पड़ा? अच्छा अच्छा बापू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो है इस इलाके, मैं समझता हूँ। देखिए, मंदिर बनाइए, मंदिर का बापू मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ, ये आपने बड़ा सा मकान बना रहा, क्या फर्क पड़ता है? ये मकान ना बनाइए, आप टाट में रहिए, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए स्टेट ऑफ माइंड, मार्केटिंग के लिए नहीं बनाया है ये मंदिर, मार्केटिंग के लिए बनाते हैं। सिर्फ मार्केटिंग, सिर्फ मार्केटिंग, सिर्फ मार्केटिंग। देखिए बनाइए, मैं कहता हूँ बनाइए ना, रामेश्वर में है। आप उनके अगेंस्ट जाने के चक्कर में राम के मंदिर छोटा कर रहे हैं? नहीं छोटा कर रहा हूँ, आपने इतना बीघे में अपनी अपना घर बनाया ना, वो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा बनाइए मंदिर। आप 1 BHK में रहते, क्या फर्क पड़ता? आप मंदिर बनाइए और भी बनाइए, लेकिन ये मार्केटिंग के लिए मत बनाइए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मत करिए। आप बनाइए मंदिर, कौन ना बोलता है? हमने भी मंदिर बनाया हमारा, देखिए हमारा मंदिर शायद हिंदुस्तान में ऐसा मंदिर है, हमारा शिव मंदिर है, मेरे गांव में राम मंदिर, वो भी देखिए आप, वो अलग बात है। लेकिन मैं मार्केटिंग के लिए, मेरे तो को ये कैसे मान लूं कि आपने जो बनाया वो मार्केटिंग के लिए नहीं, और इन लोगों ने जो बनाया है वो मार्केटिंग? देखिए वो बना ना, फिर मीडिया में देने की क्या जरूरत है? फिर क्यों पूरे दिन राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर क्यों? कितना खर्चा होता है इनके पीछे? राम मंदिर बना, इनका खर्चा कितना होगा? बनाइए, भव्य है, लोग इम्प्रेस हो, वाह भगवान बहुत अच्छे, आप अच्छी जगह मिली। लेकिन वो कॉमन मैन का सोचिए ना, जिसका पेट में राम नहीं है, कौन सी नई एजुकेशन कराया, कौन से नए हॉस्पिटल बड़ी कर दी, बताइए ना। तो वो तो गिना रहे हैं, कहां कहां हमने एम्स की, कौन सी एम्स, कहां बताइए, एक तो एक बताइए। उन्होंने ये कहा है कि उज्ज्वला योजना हमने, कहां उज्ज्वला, आज की थोड़ी है उज्ज्वला योजना, राजीव गांधी के समय की था। उन्होंने ये कहा कि हमने गरीब लोगों के मकान बना के दे दिए, कहां दिया? वो भी मध्य प्रदेश का घपला देखा होगा, मध्य प्रदेश का देखा होगा आपने, पूरा मार्केटिंग। आपको जो मालूम है ना, सब मार्केटिंग के माध्यम से, पेपर में, टीवी का मार्केटिंग के हिसाब से ये करिए ना, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। और पब्लिक के पैसे है, पब्लिक की कमाई के पैसे है, सरकार की कमाई के पैसे नहीं है। ये जो होता है ना मार्केटिंग,
वो मार्केटिंग पब्लिक के पैसे से होता है। तो अब ये मार्केटिंग से पर्दा कब हटेगा, कैसे हटेगा? जो बीजेपी हटेगी तो हटेगा, बीजेपी शासन से हटेगी। बीजेपी को कौन हटाएगा? पब्लिक हटाएगी, जो जिसको जरूरत है कि भी हम मर गए, हम ज्यादा बेवकूफ नहीं बनना चाहते। पर आज की तारीख में पॉलिटिक्स में वो मादा आपको किसमें नजर आता है जो मोदी को हटा सके या बीजेपी को हटा सके? कोई नहीं, कुछ दो दो तीन नाम बता दीजिए। देखिए नाम मैंने, आप अपना नाम भी उसमें डाल सकते हैं। मैं आई नॉट पॉसिबल, देखिए किसी को ये मैं बड़ी बात नहीं करूंगा। कॉमन मैन जो है ना, वोटर बड़े सब आ गए, पर वोटर को विश्वास तो किसी पर करना होगा ना। क्या वो विश्वास शंकर सिंह वाघेला पर कर सकते हैं? नहीं होता है ऐसा, नहीं क्या होता वो विश्वास किसी नहीं, और ऐसा नहीं कर होता है। वोटर को अपने हिसाब से वोट करता है, वो मार्केटिंग की इफेक्ट होती है। जैसे आप कोलगेट का उपयोग करती हो, पता नहीं वो हमारी थोड़ी सांवली बहन होती है तो फेयर और लवली लगाते, कौन फेयर हुआ, किसके दांत सफेद हुए, एक तो बताइए खर्चा कितना करोड़ होगा। वो तो प्राइवेट धंधा है तो होगा, राजनीति में प्राइवेट धंधा नहीं होना चाहिए, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं देखिए, आप पॉलिटिक्स को सर बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप आजादी के पहले से चीजों को जानते परखते आ रहे हैं, और आज आप वहां खड़े हुए हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान बनेगी 2050 तक का। कई ऐसे उद्योगपति है जो कह रहे हैं वो क्या बनेगी? पर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कोई एक तो होगा जो आप कह रहे हैं मोदी नहीं तो ये शख्स देश को आगे ले जा सकता है। ये गलत बात है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन नॉट पॉसिबल, ये पैदा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। वाजपेयी थे, अडवाणी थे, कहाँ गए बताइए ना, जेटली भी थे, अभी गडकरी भी है, अभी राजनाथ सिंह है अभी, लेकिन ये सबकी अलग एक दुनिया है। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी होती है ना, वही सब संभाल लेती है, और ये कोई मोदी को रिप्लेसमेंट का मामला नहीं है। लोग इतने दुखी होंगे तो अपने आप जाकर वोट करेंगे। मैं इलेक्शन के बाद दोबारा बापू आपके पास आऊंगी और इस पर बात करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे शंकर सिंह वाघेला, खुलकर अपने दिल की बात कही। हमारी इस मसले पर बहस भी हुई, लेकिन यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। आप अपनी बात पर, मैं अपनी बात पर, लेकिन हिंदुस्तान सबसे आगे रहना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।